अजीज भाइयों और बहनों मोहतरम नाजरीन मैं हुसैन अंदरियास हूँ और यीशु मसीह के मुकदस और मुबारक मुबारकना आप सब अजीजों को मेरा आदाब अर्ज है मैं खुदाबंद का मशकूर ममनून हूँ। एक नए हफ्ते के लिए एक नए दिन के लिए और एक नहीं, के लिए कि खुदावन ने मुझे अता फरमाया ताकि मैं खुदावन के हुजूर में आकर घुटने टेकूं सर खम करके मशकूर रहूं खुदा का ये मुकदस कलाम अपने लिए जी अपने लिए अपनी जिंदगी को सवारने के लिए ये पढ़ूं और जहाँ तक मुमकिन ये कलाम आप अजीजों तक भी पहुँचा सकूँ यकीनन ये एक प्रोग्राम नहीं जिसे आप देख रहे हैं बहुत से बहुत से खूबसूरत प्रोग्राम इस चैनल के वसीले से आप देख सकते हैं और मैं आपको तश्वीक करता हूँ आपकी हौसला अफजाई करता हूँ आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि उन सब प्रोग्रामों को देखें खुदा के अजीम खादम आपके लिए प्रोग्राम अपने दिलों रूहों रवा से और बड़ी मुशक्त से पढ़कर, कर जुस्तुजू करके तहकीक करके आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप खुदा का ये जिंदा कलाम मुकद्दस कलाम बाबरकत कलाम हयात बख्श कलाम हयात बख्श कलाम आपके दिलों को छुए और आप वो बरकत पाए जिससे जिसे हमने तजुबे में अपने शख्सी तजुबे में पाया है कि ये भला है हमारा खुदावन किताब मुकदस का खुदावन जो हकीकी खुदावंद जिंदा खुदावंद है वो उन दूसरे खुदाओं की मानंद नहीं कि बस डंके की चोट पर या डंडे की चोट पर या बुलंद आवाज या आप पर चीखने पर यह आप पर मुसलत करे बल्कि वो फरमाते हैं कि चखो चाय की प्याली है सब्ज चाय मैं अफगान हूं और मुझे सब्ज चाय बहुत पसंद है और मैं इसे चखता हूं और इसका जो जायका है चाहे वो गर्म है सर्द है नीम सर्द है तेज है या फिर जैसे भी है मुझे इसका जायका मालूम होता है तजुर्बे में इसे चखने में कि यह भला है या नहीं यह मुझे नींद से उठाता है या नहीं इसमें एंटाइक्सीडेंट के जो फवाइद हैं वो मेरे लिए क्या है तभी तो मैं जानता हूं अगर किसी ने कभी सेब खाया ही ना हो तो उसे सेब का मजा कैसे उसकी जानकारी हो कैसे उसकी जानकारी हो भाई किसी को चखने से किसी चीज को चखने से ही तो पता चलता है कि उसमें जायका मजा नमक मसाले वगैरह कैसे हैं और ऐसे ही पकवानों की बात अगर की जाए तो हम किसी भी ग़ा को चाहे वो नहारी हो चाहे वो भेजा हो चाहे हलीम हो चाहे आलू गोभी हो उसमें नमक कैसी डाली जाती है मसाले कौन से डाले जाते हैं मुझे तो अचारी चिकन मसाला बहुत ज़्यादा पसंद है और अचारी मटन मसाला पसंद है और मैं जब दुकान में जाता हूँ परचून की दुकान में जाता हूँ ग्रोसरी स्टोर में जाता हूँ तो मैं तलाश करता हूँ या फिर या शान का जो ब्रांड है या फिर एम का जो ब्रांड है ये मुझे पसंद है और मैं तलाश करता हूँ कि उस पे लिखी हुई जो चीज़ें हैं वो दुरुस्त हैं वो मेरे लिए मुजर सेहत तो नहीं उसमें मसाले हैं जो मुझे पसंद है जायका है जो मुझे पसंद है उसमें जो गैर सही रंग वगैरह है कहीं वो तो नहीं और जब मैं लाता हूं तो कितने चम्मच उसमें से डालूं ताकि उसका जायका दुरुस्त निकले फिर नमक की बात होती है नमक में भी ऐसा ही तो हमारा खुदावन फरमाता है कि चखो और जानो कि मैं भला हूं चखो और जानो कि मैं भला हूं ऐसे वैसे से कबूल ना करो मुझे आजमाओ मुझे चखो मुझे और जानो कि मैं भला हूं मेरा खुदावन भला खुदाबंद है मेरा मेरा खुदावन जो है वो अजीम है और मैं जानता हूं क्योंकि मेरी उनसे शख्सी राबता है जैसे कि एक बाप का राबता अपने बेटे से है अपने औलाद से है मैं उसे आसमानी बाप कर, कर पुकारता हूं आसमानी बाप कहकर पुकारता हूं और उसने मुझे इस किताब मुकदस में अपना फर्जन अपने फर्जंद होने का दर्जा दिया है मैं गुनाहकार गुनाहों में घिरा हुआ अंधकार में भटकने वाला एक इंसान जिसके हाथ को यसु मसीह ने थामा अपनी तरफ खींचा अपने आगोश में लेकर मुझे चूमा और उसने कहा मेरे आगोश में तू महफूज है महफूज है इसी वजह से जब मैं जबूर तेईस को पढ़ता हूं तो मुझे बहुत तसली होती है इस दर्द भरे दुनिया में इस मेहनत और मुश्क मुझे भरे दुनिया में मुझे एक अजीम तसल्ली मिलती है कि खुदावन मेरे साथ है खुदावन मेरे साथ है और वो मुझे कभी अकेले ना छोड़ेगा खुदावन मेरे साथ है ये उसकी अजमत से है मेरी लियाकत से नहीं ये उसके रहम रहमत से है और मेरी किसी बड़े काम या फिर अजीम काम से नहीं और मैं आपको ये बताऊं कि हमें उसके सरब सजदा होकर आनी चाहिए ताकि हम खुदा के उस पैगाम को अच्छी तरह से समझ सकें अच्छी तरह से समझ सके सर खम करके अपने आप को आजिज करके अपने आप को आजज करके आनी चाहिए क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है वो अजीम खुदावन जिसने इस कायनात की तख्लीक की और हमें अपनी शबी पर बनाया अशरफुल मखलूकत अपने अपने खिलकत में सबसे शरफ देकर हमें बनाया मगर हम गुना में घिरे मगर हमने उसके कवानीन उसके जवाबित, उसके शरीयत की मुखालिफत की मगर फिर भी उसने हमारा पीछा ना छोड़ा हमने खुदा का पीछा छोड़ दिया हमने अपने लिए मजाहब बनाए अपने लिए अध्यान बनाए अपने लिए ये वो सब कुछ चीजें बनाई कहीं हमने पत्थरों से बुत बनाकर सजदे किए तो कहीं लकड़ी से तो कहीं हमने किसी मुकाम पर एक पत्थर को बहुत दूर दूर से सजदा करने लगे मगर खुदावन यह कहता है भाई मैं हर जगह मौजूद हूं भाई मैं हर चीज पर कादिर हूं हर चीज मैं सुनता हूं हर चीज मैं देखता हूं मुझे हर चीज की समझ है पुकारो चाहे वो आधी रात क्यों ना हो मैं हाजिर हूं मैं चाहता हूं कि आपके दिल में अपना घर बनाऊ आपके दिल में अपना घर बनाऊ जब मैं मुसलमान था तो मेरी बहुत ही ये ख्वाहिश थी कि मैं सऊदी अरब जाकर मक्के जाऊं और गया भी ताकि मैं अपने खुदा को देख सकूं। वहां पर मैंने खुदा नहीं देखा एक पत्थर देखा जिसके सामने लोग सजदे कर बैठे चूमने लगे हालांकि वहां के जो पुलिस है वो मना करते हैं उसे वो ठीक करते हैं मगर मेरा खुदा कहता है कि अब मक्के और काशी जाने की कोई जरूरत नहीं मैं चाहता हूं कि अपने घर को तुम्हारे दिल में बना दूं तुम्हारे दिल को अपना मैबद बना दूं तो इसी वजह से हम बहस मसीही कहीं भी जाते हैं चाहे पाकिस्तान में जाते हैं वहां पर हम हम पर मुश्किल आते हैं अफगानिस्तान में अगर मैं अफगानिस्तान में जाऊं तो मेरा सर कट जाएगा उसी दिन जिस दिन मैं वहां कदम रखूं, मगर खुदा का कलाम कहता है कि हम जहां भी जाते हैं हम खुदा के घर को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि पालूस रसूल फरमाते क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है वो वह रूहुदस का मस्कन है घर है यानी हमें पास पाकिजगी की नसीहत फरमाते हैं खुदा का कलाम और कहते हैं कि हम खुदा के मस्कन हैं जहां भी हम जाते हैं लोगों को ये आराम से समझ में आनी चाहिए कि भाई इस शख्स में एक अलग बात है एक अलग बात है चाहे हम पर मसाइब, मुश्किल तकालीफ क्यों ना आए खुदावंद फरमाते हैं कि इन सब को सह कर भी हम खुदावंद खुदावंद के इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं कांटों पे चलूंगा तेरे लिए दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए मैंने ये जीवन तुझको दिया है जीवन संवारा तेरे लिए दुनिया हमारे लिए मसीहियों के लिए बहुत एक मुश्किल दुनिया है बहुत मुश्किल दुनिया है कांटों पर चलना अपने सलीब को मसीही सलीब क्या है अपने सलीब को रोजाना उठाना मसीही सलीब वो नहीं जिसे हम एक हार के तौर पर या फिर एक नेकलेस के तौर पर एक तोख के तौर पर पहनते हैं खवातिन ज्यादा पहनती हैं मर्द भी पहनते हैं खवातिन और हजरा दोनों पहनते हैं मैं नेपाल में था कठमंडू में तो वहाँ पर एक नौजवान को मैंने देखा ये बड़ा सलीब उसने आविजा किया हुआ था अपने गले पर तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है तो उसे कुछ मालूम ही नहीं था कि ये सलीब इसके मानी क्या है जिसे उसने अपने गले पर लटकाया हुआ है उसने कहा मुझे क्या मालूम है ये क्या है बस मैंने बाजार से खरीदा एक आ, आ, फैशन है फैशन के तौर पर मैं पहनता हूं इसे तो खुदा ने मुझे एक मौका आता फरमाया ताकि मैं उनके साथ इस सलीब के बारे में जो उसके गले में था उससे बात करूं हमारी बात यहाँ तक बढ़ी के बंदे को रोना आ गया और मुझे उसके साथ रोना आ गया और हम दो वहां पर रोने लगे गिरिया में और मैंने उसे हिंदी जुबान की जो बाइबल है पवित्र शास्त्र जिसे कहते हैं मुकद्दस कलाम एक एक कर सली, जो सलीब के का किस्सा है दास्तान है उसे सुनाया मैंने उसे उसके हाथ को थामा और मुझे यह महसूस हुआ कि वो लर्जे में है वो लर्जिश में है और मुझे समझ में आ गया कि सलीब का पैगाम उसके दिल को छुआ है मैंने उसके लिए दुआ की हम दोनों रोने लगे और उस नौजवान को मैंने कहा सलीब ये नहीं जो आप लटकाते हैं अपने गले में सलीब वो है जिस पर आप लटके हुए हो वो आप पर उसका भार हो बहुत भारी वो बहुत बड़ा और आप बहुत छोटे सलीब वो है जिस पर लोग लटकाए गए खुदाबन ये सू लटकाया गया ताकि हमारे गुनाहों का किफारा आता फरमाए वो है सलीब वो है सलीब दास्तान सलीब बहुत अहम है हम मसीहियों को किसी और चीज पर कोई इफ्तार नहीं बजुज सलीबे मसी के बजुज सलीब मसीह इसी वजह से लाजिम है कि हम खुदा के मुकदस कलाम के इस मुकदस कलाम को पढ़ें ताकि हमें सलीब के पैगाम का जो वो शीरो शीरा है शीरो शकर है वो समझ में आए और मैं दुआ करता हूं कि खुदावन हमें बरकत अता फरमाए ताकि जब हम खुदा के इस मुकद्दस कलाम को पढ़ेंगे खुदावन के तालीम में से सीखेंगे तो हमें यह समझ में आए कि खुदावन हमसे क्या बात करना चाहते हैं ये लाजिम है हमारे लिए बहुत ही लाजिम है कि हम इस पैगाम को समझें इस पैगाम को समझें क्योंकि पैगाम सलीब जो है वो हमारे लिए वो हमारे लिए बहुत ही अहम है खुदाबंद यसू मसीह अपने तालीम में अपने शागिर्दों को लेकर यूं फरमाते हैं और यहाँ पर हम पढ़ते हैं यसु अपने दुख उठाने और मौत का जिक्र करते हैं क्योंकि उसने सलीब का मौत सहा हमारे लिए उस वक्त से यसु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तेतीसरे दिन जी उठे यह है पैगाम सलीब खुदावन यीशु मसीह के तालीम में से उनकी अपनी जुबानी जो वो फरमाते हैं भाई ने फोन किया है ये फोन उठाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे बात करेंगे भाई गुलाम रसूल नाम में आप सब सुनने वाले हाजरीन को मेरा सलाम आपको भी मेरे अजीज भाई बहुत सलाम खुदावन आपको बरकत अता फरमाए आपको और आपकी टीम को बड़ी बरकत दे आ, कलाम खुदा की कलाम को खुदा की रूह को हमें समझने की जरूरत है हुसैन अंदर्याजी साहब खुदावन का फजल हो जिसने मेरे लिए आपके लिए किताबे मुकद्दस इसरूई जमीन में हमारे लिए छोड़ा है खुदा ने ताकि हम उसके साथ हम कलाम हो सके हालेलुया आमीन आमीन खुदा का शुक्र हो हुसैन अंदराजी साहब खुदा की कलाम ईसा मसीह की जुबान से खुदा खुदा ईसा मसीह जो है वो खुदा की कलाम है और खुदा की रूह है खुदा का कलाम आमीन खुदा आमीन वो जो मेरे लिए और आप सब के लिए जो मार काया और जो हमारी बोझ को अपने ऊपर उठाया हमारी सारी गुनाहों को माफ करने का वादा किया जो भी उस पर ईमान लाए वो हलाक नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल हमेशा की जिंदगी पाएंगे वो आमीन तो खुदा का फजल हो जिसने हमारे लिए इतनी आसानी इतनी मुफ्त में सब कुछ जैसे मुफ्त में हमें ये दुनिया मिला जैसे मुफत में हमें खाने पीने की चीजें मिला जैसे मुफ्त में हमें ये सब कुछ मुफ्त में मिला हम सांस मुफत में लेते हैं हम देखते मुफत में हैं, हम बोलते मुफत में हैं, ये सब कुछ हमें मुफत में मिला है ये खुदा का हम पर बहुत बड़ा फसल है उस खुदा ने हमारे लिए और जितने भी सरुई जमीन में इंसान है उन सब के लिए एक कुर्बानी मुहैया किया एक 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 गुना एक गुनाह को माफ करने के लिए उन तमाम इंसानों को बचाने के लिए एक आसान तरीका इस रुई जमीन के लिए इस रुई जमीन की तमाम इंसानों के लिए मुहैया किया था कि इंसान उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल होए और हलाकत से बच जाए आमीन 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 वाकी तौर पर मेरे भाई आ, खुदावन ने हमें ये बिल्कुल मुफ्त अता फरमाया मगर उसके लिए मुफ्त नहीं था क्योंकि उसने अपनी हालेलुया। तो ये, ये सारी खुदा का हम पर फजल है हर दिन खुदा हमें कहता है आओ कौन है जो इस खुशखबरी से फायदा उठाए हर दिन ऐलान होता है हर दिन आवाज देता है हर दिन बुलाता है हमें कौन सी कान है जो उसे सुने और उसे सुनकर अपने आप को नजात दे और अपनी पूरी खानदान को नजात दे और जो हमेशा की जिंदगी है उसमें दाखिल होए जब तक हम जब तक हम उन तीन सीढ़ियों को उन पांच सीढ़ियों को नहीं चढ़ेंगे हमारी मंजिल मुकम्मल है अगर हम एक ही स्ट्रीट में कड़े रहे एक ही स्टेट पे कड़े रहे कहें अभी हम पहुंचेंगे अपनी मंजिल अपनी मंजिल इस तरह नहीं होता जब तक कि हम उन चार जो पांच जो खुदा की किताब है जो जो ज़बूर, इंजील, जब तक हम इनको पढ़कर जब तक इनमें से हम नहीं गुजरेंगे खुदा की बादशाही में दाखिल होना नामुकम्मल है मेरे भाई बिल्कुल हमें खुदा का कलाम पढ़नी चाहिए क्योंकि खुदावन का कलाम हमारे लिए हिदायत कामिल है और वो ये जो पैगाम सलीब है वो हमें इसी से हिदायत फ़रमाते हैं भाई गुलाम रसूल आपने खूब फरमाया कि हमें गौर करनी चाहिए कि खुदा का कलाम है क्या क्यों ये हमारे लिए है क्योंकि ये खुदा का कलाम हमारे लिए वो पैगाम है जिसकी वसात से हम अपने जिंदा खुदावन को जान सकते हैं अपने उस मोहसिन को जान सकते हैं जिसने हमारे गुनाहों का किफारा सलीब पर अदा किया। कियादेन तो हमारे लिए बहुत सारी दुखों को बर्दाश्त करता है हमारी माँ हमारी बाप इतनी दुखों को बर्दाश्त करता है हमारे लिए कि ताकि हमारे बच्चे पुरसकून जिंदगी जिए जिस खुदा ने मुझे और आप सबको पैदा किया है वो हमारे लिए ये सब नहीं सोच सकते हैं कि हमें ऐसे ही मैदान में वो हमें ऐसे ही मैदान में छोड़ देंगे हरगिज नहीं वो हमारा मालिक है वो हमारा खालिक है वो हमारा खुदा है वो हम तमाम इंसानों से मोहब्बत करता है वो कहता है कि इंसान बचे क्योंकि इंसान को खुदा ने बनाया है खुदा की पसंदीदा मखलूक इंसान है उसके साथ रहना चाहता है खुदा खिला का शुक्र हो जिसने मेरे लिए और आप के लिए एक बहुत आसानी फरमाया है वो कलाम मुकद्दस को पढ़े और इसमें से रास्ता ढूंढे खुदा आपको रास्ता दिखाएगा आप सुनने वाले हाजरीन के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है खुदा यीशु मसीह को अपना नजात देंदा कबूल करके इस सलीब के रास्ते पे चल के अपनी सलीब उठा के हमेशा की जिंदगी में दाखिल होए और दावन के साथ हमेशा की बादशाही में वहाँ उसके साथ है आमीन आमीन भाई गुलाम रसूल बहुत ही बहुत शुक्रिया खुदा आपको बरकत दे इस पैगाम से और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन आपके घर वालों को बरकत दे बच्चों को बरकत दे और इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे हामिद खुदावन आपको बड़ी बरकत दे हुसैन अंद्रियाजी साहब आपकी पूरी टीम को वाकई आप बहुत बड़ी बहुत बड़ी आ, आ, एक खुदावन का एक झंडे को उठा के आप इस वक्त इस रुई जमीन में फैला रहे हो जा रहे हो खुदावन आपके साथ रहे और आपकी पूरी टीम को कसरत से अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल कर आमीन ये खुदा का फजल है खुदा का फजल है मेरे भाई खुदावन आपके साथ हो बहुत शुक्रिया टेलीफोन करने का बहुत खुदावन आपको बरकत दे भाई भी मेरी तरह वो भी एक मुसलमान ज़्यादा हैं मुसलमान घरा से घराने से उनका ताल्लुक है और उन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है और वो खुदा के खादिम हैं खुदा के कलाम को प्रचार करते हैं निडर होकर वो प्रचार करते हैं इसकी आ, खुदा की कलाम की तशरी करते हैं ताकि ये कलाम हम सब तक पहुँचे और इसके लिए अगर हमें दुख से जाना भी पड़े तो कोई बात नहीं तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा उस वक्त यसु ने अपने शागिर्दों पर जाहिर आ, करने लगा कि उसे ज़रूर है कि ये जरूर है उसने कहा कि ये शुर, ये को जाए और बुजुर्गों सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे यहूदी जो है वो मसीह के मुंतजर थे अब भी हैं और खुदावंद यीशु मसीह के शागिद वो भी यहूदी ही थे जो खुदावन के पहले पहले शागिरद थे वो सारे के सारे यहूदी थे तो उनमें से एक पतरस था और पतरस पतरस क्या कहते हैं इस पर उसको अलग ले जाकर <ख़ाँगा> मलामत करने लगा कभी कबर कभी कभार हम मजहबी जुनून में यहां तक जाते हैं कि हम खुदा को मला, मलामत करने बैठते हैं इस पर पत्रस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा क्या है खुदावन खुदा ना ये तुझ पर हर गिज नहीं आएगा वो है कहते हैं कि मेरा दीन मजहब जो है वो खतरे में है उसके लिए जिहाद करो उसके लिए काम करो मजहब दीन जो है वो खतरे में है भाई मसीहियत और मसीह दोनों खतरे में नहीं है क्योंकि मसीह ने खुद कहा कि मैं खुद अपनी मर्जी से अपनी जान को देता हूं कुर्बान करता हूं योहन्ना की इंजील उसके दस बाब सत्रह अट्ठारह आयत को आप पढ़े किसी में यह जुर्त और कुदरत नहीं कि वो मुझे मुझे मार डाले मगर मैं अपने आप को तस्लीम करता हूं कि मैं तुम्हारे गुनाहों का किफारा बनू मैं इस कुर्बानी को अपने ही मर्जी से अदा करता हूं और ये हुक्म मैंने बाप से पाया है और मुझ में यह इख्तियार है कि मैं अपने अपनी जान को सलीब पर कुर्बान करूं और इसे वापस ले लूं यानी कि मैं खुद अपने आप को जिंदा करूं क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है कि उसने अपने आप को जिंदा किया हुआ हो खुदावंद यीशु मसीह का तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना सलीब पर मसलूब होने के बाद तीसरे दिन जब वो गाड़ा गया जब वो उसे दफन किया गया तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना खुदाबन यीशु मसीह के रूह की कुदरत है रूह की कुदरत है हर शाम सलीब सुबह क्यामी दारद हर शाम सलीब सुबह क्यामी दारद शैतान बाजब कीनत खामी दारद हर शाम सलीब का पैगाम सुबह क्याम है और शैतान को यह समझ में नहीं आया शैतान ने कहा कि बस खुदा मर गया अब ये सारी कायनत का जो बादशाह हूं मैं हूं उसे यह समझ में नहीं आई उसकी कीनत जो है वो खाम थी उसने कहा गुफ्ता के मसी बेम कार तमाम मसीह मर गया और काम तमाम हो गया हर कतरे खून हक पयामी दारद हर कतरे खून हक का एक पैगाम है हमारे लिए और वो क्या पैगाम है और वो ये है कि मसीह ने आपसे मसीह ने आपसे इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपनी जान सलीब पर दिया अपनी जान सलीब पर दिया तो पतरस जो है वो मसीह को मलामत करने लगे कि खुदा ना करे खुदा ना करे आप क्या क्या कह रहे हो कभी कभार हम यही करते हैं अपने दीन और मजहब और राह और रविश जो इंसानी तौर पर हमने ये सब कुछ बनाया है वो हम दीन और मजहब का बेड़ा उठाते हैं झंडा उठाते हैं और उसके लिए अपने आप को भी मारते हैं दूसरों को भी मार डालते हैं अब पाकिस्तान में देखें वहाँ पर जो ये तोहीन रसालत वगैरह है ये खुराफात जो वहाँ पर है जिसकी वजह से वो लोगों को मार डालते हैं बहुत से लोगों को मसीहियों को हिंदुओं को जबरी और ज़बरदस्ती शादियाँ करवाते हैं उनके बेटियों को घरों से चुराते हैं अपनी मनमानी करते हैं मजहब और दीन के नाम पर क्या यह खुदा की तरफ से है क्या खुदा ऐसा है हर किस नहीं जिसने मोहब्बत नहीं किया नहीं रखा उसने खुदा को जाना तक नहीं क्योंकि खुदा मोहब्बत है और इस मोहब्बत की राह पर चलने वालों के लिए हमेशा कांटे बिछे हुए हैं इस दुनिया में मुश्किल का सामना हमें करना पड़ता है इस दुनिया में इसी वजह से वो हिंदी गीत है कांटों पे चलूंगा तेरे लिए दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए मैंने ये जीवन तुझ को दिया है जीवन तेरे लिए और फिर खुदा मसीह क्या कहते हैं पत्रस को उसने फिर कर पत्रस से कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो कभी कभार हम अपने आप को यह मजहबी मानते हैं कि भाई मैं तो खुदा के साथ जा रहा हूं मुझे हर चीज की मालूमात है और खुदा का कलाम मेरी आस्तीन में है खुदा के जो कवानीन है वो मेरी आस्तीन में है और ये देखो ये खुदा ये खुदा कहकर हम अपने आप को खुद खुदा बना देते हैं जबकि वो शैतान का काम है वो शैतान का अगर हम किसी को मारते हैं किसी को पीटते हैं मजहब दीन धर्म आ, को लेकर खुदा की तरफ जहाद को लेकर तो हकीकत में हम शैतान की गुलामी करते हैं और इसकी हमें पता भी नहीं चलता कि हम शैतान की गुलामी कर रहे हैं इसी तरह पतरस ने किया और खुदा यीशु मसीह ने कहा उसने कहा क्या कहा उसने फिर पतरस से कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है कभी कभार हम खुदा की राह में ठोकर बनते हैं खुदा चाहता है कि इंसान से मोहब्बत रखे इंसानों को बचाए और हम अड़ंगी देते हैं खुदा को यानी खुदा के पैर के सामने अपने पैर को रखते हैं ताकि उसे अड़ंगी हो खुदा यही तो कहते हैं कि तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है कपड़े पहनकर, लुंगी पहनकर पगड़ियां बांधकर, नेकटाइयां रखकर, इससे खुदा की खुशनुदी नहीं होती और फिर अपने आप को रेवरेंट कहकर ये कहकर वो कर ऊपर कर, उठाकर, इससे 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 खुदा की खुशनुदी नहीं होती बल्कि कभी कभार यही वो चीजें हैं जो खुदा के कलाम खुदा के पयाम की राह में एक रुकावट है एक अड़ंगी है इसी वजह से इसी वजह से हमें यह जाननी चाहिए जो जो खुदाओं का खुदा है हमारे मालिक उसने हमारी खातिर सलीब पर वो बदतरीन बदतरीन ठोकर खाया अपना लोहू बहाया थूका गया उस पर कांटों का ताज उसके सब पर रखा गया ताकि हम उसके पैरों बने आप जब हम कहते हैं हम मसीह के पैरों हैं हम मसीह के मोमिन हैं तो मसीह की मानंद हम जिए मसी की मानंद हम जिए आजिजी से खादिम होकर यह ना कि लोग हमारे पास आ जाएं कि ये लो पादरी ये साहब ये लो मौलाना वो साहब बल्कि हम खादिम बनकर खादिम बनकर लोगों के पास जाए यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि अपने घर बैठो ताकि लोग तुम्हारे पास आ जाएं। ये आ, मैं यहाँ पर जान, जाना चाहता हूँ और इसे पढ़ना चाह चाहता, चाहता हूँ आपके लिए क्या ही, बहुत ही खूबसूरत है इसे समझने में कभी कभार दिक्कत होती है यहाँ कर यहाँ तक कि हम मसीहियों के लिए भी एक ठोकर का बाइस है क्योंकि हम इसे दुरुस्त तर, तरीके से समझ नहीं आ, पाते ये मतीही की इंजील में आ, अगर हम आ, पढ़ें मती की इंजील उसके 28 बाब को अगर हम देखें तो खुदाब यीशु मसीह के जो आखिर जो अजीम तरीन हुक्म है हमारे लिए इस दुनिया में वो क्या है और ग्यारह शागिद यहां पर हम पढ़ते हैं, और ग्यारह शागिद गलील के उस पहाड़ पर गए जो यसू ने उनके लिए मुकर किया था और उन्होंने उसे देख कर सजदा किया मगर बाज नहीं शक किया फिर यसू ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार थोड़ा सा इख्तियार नहीं कुल इख्तियार वो मुख्तार कुल है कुल इख्तियार मुझे दिया गया पशतुम जाकर सब कौमों को शागिदन पस तुम जाकर, जाकर। उसने ये नहीं, नहीं कहा पस तुम यहां कलीसिया में बैठकर जहां तुम हो वहां पर आराम से ठाट कर बैठकर वहां पर आराम से ये लो बड़ी सलीब अपने गले में लटका कर यह नहीं बल्कि आधी आम इंसान होकर उनके कपड़े उनके कपड़े पहनकर उन्हीं की तरह कपड़े पहनकर गरीब होकर जिस तरह मैंने अपने जलाल को छोड़ा और गरीब होकर तुम्हारे बीच में आया ताके मेरी ताकिबत से तुम शुरूतमंद बन जाओ उसी तरह हम उसके पैरों है पैरों के मानी है पै के मानी है पाओ रॉ से मानी है रविश यानी जाना चलना उसके पैरों के ऊपर जाना पैरों का मतलब ही यही है यह फारसी जबान से लिया गया दो अल्फाज हैं अगर हम उसके पैरों हैं तो हमें उसी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढालना है उसे पैरहन की तरह पहनना है हमें और लोगों के बीच में जाना है लोगों के बीच में जाना है उनकी सूखी रोटी हमें खाना है उनके दर्द दुख को हमें जानना है यह है पैरों के मानी उसने कहा पस तुम जाकर बैठ कर नहीं जाकर पश तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और रूहुल कुदुस के नाम नाम से बपतिस्मा दो और उनको यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया और देखो मैं दुनिया के आखिर तक और देखो मैं इस उम्र के आखिर तक इस उम्र के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं इस दुनिया के आखिर तक नहीं इसके इस उम्र के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं यह एक उम्र मसीही है जिससे हम जिसमें हम चल रहे हैं दुनिया के आखिर तक नहीं बल्कि इस उम्र के आखिर तक क्योंकि हमने इस दुनिया को छोड़ना है एक साथ एक दिन दुनिया बाकी रहेगी हमने इस दुनिया को छोड़ना इस उम्र के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं ये यक्का यक्का हर एक शख्स के लिए खुदावन यीशु मसीह का पैगाम है यह कलेक्टिव नहीं बल्कि इनफरादी तौर पर इज्तमाही तौर पर नहीं बल्कि इंफरादी तौर पर जिस तरह हम किसी और के गुनाह को नहीं बख्श सकते उसी तरह उसी तरह खुदा का पैगाम भी जो है वह इज्तमाही बल्कि इंफरादी तौर पर हमारे लिए है इजतमाही तौर पर दूसरों के लिए जिन्होंने अभी तक खुदावन यीशु मसीह को जाना नहीं इसी वजह से खुदावन यीशु मसीह कहते हैं जाकर बैठ कर नहीं कभी कभार तो हम अपने मोहल्ले में बैठ कर कहते हैं कि भाई मेरी यही दुनिया है यही दुनिया है यहाँ पर एलनोए जो अलाते मतहद अमरीका अमरीका में जो एलोनोय स्टेट है या फिर यहाँ सूबा जो है एलनोई स्टेट में वहाँ पर एक सिक्सटीन माइल्स बैप्टिस्ट चर्च के नाम से मशहूर है और वो लोग जब मैं उनके बीच में गया हूँ 16 माइल्स बैप्टिस्ट चर्चे इसलिए उसे कहते हैं कि हर एक मील में एक कलीसिया है और बैप्टिस्ट कलीसिया है और मैं मेरा अपना ताल्लुक़ जो है वो बैप्टिस्ट चर्च से है और मुझे ये कहना पड़ता है बहुत ही दुख की बात है और कमेडिक भी है ये जैसे एक, एक, एक खाका हो कॉमेडी का ये भी बात है तो मैं जब वहाँ गया तो वहाँ हर एक मील में जो एक बैप्टिस्ट चर्च है वो ये समझते हैं जिस गांव में जिस जगह वो रहते हैं अगर उनमें से कोई वहां को छोड़कर दूसरे गांव में घर खरीदे तो वो उसे कहते हैं भाई तुम जो हो गद्दार हो और जिस जिस गांव में वो आते हैं वो हमेशा उनको बेगाना मानते हैं हालांकि वो सब मसीह हैं वो सब खुदावन यीशु मसीह को खुदाबन कहकर मानते हैं मगर उनकी इंसानी फितरत जो है इतनी दलदल में घिरी हुई है कि तो उनको यह समझ नहीं कि भाई उनकी दुनिया से आगे जाकर दुनिया है खुदावन ने कहा तुम कहाँ जाओ बस तुम जाकर सब कौमों को एक अपने कौम को नहीं जहां पर तुम हो जिस गांव में तुम हो उस वहां नहीं सब कौमों को आप अफगानिस्तान जाओ पाकिस्तान जाओ हिंदुस्तान जाओ भाई आप कहीं कहीं भी जाओ जहां पर खुदा आपके लिए मुहैया फरमाता है ताकि वहां पर आप जाकर खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाएं जब मुझ पर, मुझ पर मुसीबतें आई तो मेरे एक बहुत अजीम दोस्त ने ऑस्ट्रेलिया जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया वहां से टेलीफोन करके उसने कहा हुसैन अगर तुम्हें जेल जाना पड़े इसके लिए तो खुश रहो जेल जाना पड़े तो खुश रहो क्योंकि खुदा की मर्ज़ी यही होगी कि जेल जाकर वहां वहाँ पर मुसीबतें सहकर खुदा का कलाम उन लोगों तक पहुँचाओ जो कि बंदी हैं जो कि जेल में क़ायदी हैं उनको आज़ाद करो एक भाई जो अब हामबर्ग में रहते हैं एक बार मेरे प्रोग्राम में आकर उसने अपनी गवाही दी उसने कहा कि मैं इतना बड़ा बदमाश आदमी था और मुझे गिरफ़्तार करके जेल में डाला गया क्योंकि मैं स्मगलिंग करता था और इसकी गवाही आज भी है आप वो भी पश्तून हैं, जदरान कबीले से उनका ताल्लुक है और उसने कहा कि जेल में जाकर मैंने खुदा के कलाम को पढ़ा और वहाँ पर मैं मुझे आज़ादी मिली जेल से आज़ादी नहीं मिली बल्कि हमेशा की आज़ादी मुझे वहाँ पर मिली और उस वक्त से मैं अपने आप को आज़ाद महसूस करने लगा जेल में रह कर और फिर मैंने उसकी खिदमत भी करनी शुरू कर दी मुसलमान जदरान कबीले से उनका ताल्लुक पश्तून वो स्मगलर थे और बहुत से और बुरे काम करते थे उनको गिरफ्तार किया गया जेल में डाला गया और जेल में जाकर उसे आज़ादी मिली भाई वाह ये है मसीहियत मसीहियत हमें आज़ादी बख्शता है चाहे हम जेल में क्यों न हो खुदा के खादिम रहेंगे चाहे हम जेल में ही क्यों न हो हमें मुकम्मल आज़ादी है तो मेरे बहन भाई जो अफ़ग़ानिस्तान के जेलों में हैं और दूसरे जेलों में हैं क्योंकि उन्होंने मसीह के नाम को पुकारा है और उन्होंने कहा कि मैं मसीही हूँ वो दर हकीकत में वहीं पर आज़ाद हैं और आज़ादी का पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं और तुम हकीकत को जानोगे और हकीकत तुम्हें आजाद करेगा हालेलुया यह है खुदा का पैगाम यह है पैगामे सलीब हमारे लिए येसु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन की कुल इख्तियार मुझे दिया गया है बस तुम जाकर जाकर चाहे जेल जाना पड़े तुम्हें सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और अल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो मसीहियत में दो ही रास्ते हैं ख़िदमत करने का या जाने का या फिर किसी को किसी को अपनी तरफ से भेजने का यही दो रास्ते हैं मसीही ख़िदमत के जाते वो हैं जो खुदा का कलाम पहुंचाने के लिए दुख भी सहते हैं मुश्किलात का सामना करते हैं मैंने भी माना ये जीवन कठिन है और हर पल दुखों से घिरा जीवन की आशाएं तुझसे लगी हैं कि तू है दया से भरा तंगी बीमारी और बढ़ती मुसीबत सबको छुटाऊँगा तेरे लिए कांटों पे चलूंगा तेरे लिए दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए मैंने ये जीवन तुझको दिया है जीवन सवारूंगा तेरे लिए आइए ये गीत सुनेंगे यीशु है मेरी पना लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त आ घेरता तूफान लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त आ घेरता तूफान ये सू दुख से जब हूँ परेशान जब जाना चाहता हूँ पार जब जाना चाहता हूँ पार दुख से जब हूँ परेशान जब जाना चाहता हूँ पार।, पार जब जाना चाहता हूँ पार तेरा कलाम रोशनी का होता मीना ये है मेरी पना सो नहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार यीशु है मेरी पना वो ही है मेरी चक्का लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त वक्ता घेरता तूफान यीशु है मेरी पना यीशु है मेरी पना यीशु है, है मेरी पना आमीन वो ही है मेरी चट्टान लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्ता घेरता तूफ़ान हाँ भाई ने फ़ोन किया है और कहा है कि ये प्रोग्राम जो है इस वक्त टीवी के ज़रिए से सैटेलाइट के ज़रिए वो पाकिस्तान में आ नहीं रहा मैं ये सुना रहा हूँ आपको और जो ज़िंदगी टीवी है मुझे उम्मीद है कि वो भी सुन रहे हैं ये गुड इवनिंग मास्टर जी आपका प्रोग्राम जिंदगी टीवी डिश टीवी पे लाइव नहीं आ रहा मास्टर जी काशी मसी बोल रहे हैं पाकिस्तान तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा है मैं आपका प्रोग्राम सात दिन इंतजार करता हूं आपके प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान शेखपुरा से बात कर रहा हूं आमीन आमीन भाई के और भी, भी पैगाम हैं यहां पर जी. उन्होंने बहुत शुक्रिया मेरे भाई आ, भाई काशी आ, काशी मसीह खुदा बरक़त दे और मुझे उम्मीद है आ, मैं दुआ करता हूँ कि आ, मुश्किलात हल हो जाएं और आपको प्रोग्राम सैटेलाइट पर मिलने शुरू हो जाएं और एक और पैगाम है जिस वक्त हम गीत सुन रहे थे ये भी आया है जी बहुत शुक्रिया भाई शौकत मसीह ख़ुदा ने आपको बरकत दे हमें इतला दें अगर आपको भी ये प्रोग्राम नहीं मिल रहे हैं तो ताकि इसकी समझ आ जाए कि मुश्किल क्या हैं एक और भी पैगाम यहाँ पर है पाकिस्तान से यह भी आया है यसुमे, आप सबकी सलामती हो भाई हमें आज फिर खुदा ने मौका दिया कि मैं आपसे बात करूं और जो आपने स्लीप का पैगाम के मुताल आप हमें बता रहे हैं तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मसीह कहता है कि जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी और अपनी स्लीप उठाए और इसी तरह ये भी लिखा है कि जुआ मेरा उठा लेना तो हम जुआ यसु मसीह का तो नहीं तो सलीब हम यसु की उठा लेते हैं और तमाम कौम को रोजो की मुबारकबाद देता हूँ कि आज पहला रोजा भी है और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए दुआ करें क्योंकि आ, बेदीनी का दौर है और खुदा हमारे को यक जान रहने का अता करे और हमारी सरहदों को पाकिस्तान की सरहदों को खुदा महफूज रखे मैं कोयटा तो मनवर मसीह अर्ज कर रहा हूँ और बहुत शुक्रिया उदा उदा आप उदाप सबको आपकी टीम को बरकत दे कसरत के साथ देसी के नाम में आमीन बहुत शुक्रिया भाई भाई मनोहर मसीह बहुत बहुत शुक्रिया ख़ुदा आपको भी बरकत अता फरमाए और हाँ मुश्किल हैं मुतासफाना पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के सरहद पर भी झड़पें हुई हैं और हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदावन खुदा इन सब के ममालिकरबाब इख्तियार के दिलों को छूए पैगाम सलीब के वसीले से ताकि हम भाईचारे से रहें जोर जबरदस्ती से नहीं भाईचारे से रहें एक इंसान के एक इंसान की हैसियत से हम जिए चाहे आप किसी भी फलसफे दीन और मजहब और धी, धर्म के मानने वाले हों सबको इंसानी अखलाकियात के दायरे में रहकर ये सब बातें करें न कि ये भाई अगर तुम मुसलमान नहीं हुए या फिर तुम मसीही नहीं हुए या फिर तुम हिंदू नहीं हुए ऐसा करके नहीं बल्कि पढ़ें जैसा कि खुदा का कलाम फरमाता है कि चखो और जानो कि मैं भला हूं और मेरे अजीज भाई मैं आ, मेरा पैगाम ही उसी हिस्से से है जहां पर खुदा यीशु मसीह कहते हैं चौबीस आयत इस पर अगले प्रोग्राम में ज़रूर हम इस पर ज़्यादा बातें करेंगे मेरा अगला प्रोग्राम जो है वो आखिरी प्रोग्राम होगा इसलिए नहीं कि उसके बाद प्रोग्राम नहीं होगा क्योंकि मैं सफ़र में जा रहा हूँ और मैं दो से दुआ की ख्वाहिश करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें क्योंकि मैं इसराइल जा रहा हूँ और उर्दू ज़बान में मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड्स करने के लिए वहाँ जा रहा हूँ ताकि इस प्रोग्राम के वसीले से आपको भी वो बरकत मिले आपको भी वो मकाम का, का सफ़र हो चाहे वो टी वी के ज़रिए से ना हो बल्कि मैं आपकी तरफ़ से वहाँ पर जा रहा हूँ ताकि आपके लिए वहीं से जहाँ पर ये पैगाम हुए ये सब चीज़ें हुई उसकी अक्सी आप तक पहुंचा सकूं कला में मुकद्दस के मुताबिक तो मेरे लिए ज़रूर दुआ करें अगला प्रोग्राम आ, मेरे सफर से पहले आखिरी प्रोग्राम होगा उसके बाद दो हफ़्ते मेरे प्रोग्राम ज़िंदा बराह रास्त नहीं होंगे और फिर जब मैं लौटूंगा वहाँ से 22 तारीख को मेरे ख्याल में मेरी प्रोग्राम होगी और उसमें मैं इसराइल से आपके लिए ज़रूर पैगाम रखूंगा अगर खुदा ने चाहा अगर खुदा की यही मर्जी हुई अगर जैसे कि उस मुसलमान भाई ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा तैयारा जो है वो जहाज़ जो है वो गिर जाए और तुम हलाक हो जाए एक बार मैं दुबई जा रहा था तो मुझे पैगाम मिला फेसबुक मैसेज के, के आ, की तरफ से तो मैंने उस भाई को कहा भाई यहाँ पर इस तैयारे में जहाँ जिसमें मैं बैठा हूँ जहाज़ में इसमें अक्सर लोग जो वो मुसलमान है तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो सारे के सारे मुसलमान भी हलाक हो जाए ताकि तुम एक मुर्तद हलाक हो जाओ ये यहां तक इनको जुनून है मगर मैंने उनके लिए दुआ की मैंने उनके लिए दुआ की खुदावन ने उनके दिल को बाद में जाकर छुआ ये खुदा का कलाम है और हम इसी लिए यहाँ इस दुनिया में है और फिर उसने बिल्कुल जैसे कि आपने कहा भाई उस वक्त यीशु ने अपने शागिदों से कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी अपनी खुदी को का इनकार करे यह नहीं जैसे कि इकबाल ने कहे कि अपनी खुदी को कर बुलंद इतना खुदा की तरफ से नहीं इकबाल बहुत ही अजीम शायर मगर मैं इससे मुतफ़ नहीं बल्कि अपनी खुदी से इनकार पैगाम सलीब है तो मेरी दुआ ये है कि खुदावन हम सब को तोफ़ी कता फरमाए ताकि हम पैगाम सलीब को जानें कि मसीही सलीब के मानी क्या हैं और उस पैगाम के वसीले से हम अपनी ज़िंदगी को संवारें ताकि हम खुदा को जलाल दें खुदावन, तू लोगों पर रहम फरमा पाकिस्तान हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के लोगों पर खुदाबन यसु मसीह के नाम में आम